हाय फ्रेंड्स, यू आर सिंपली विद टेक मायसेल्फ हंसराज। मैंने बहुत ही पहले एक वीडियो क्रिएट किया था जो था कलर ग्रेडिंग पार्ट 1, एंड आपने उसके लिए कमेंट भी किया कि हमको इसका पार्ट 2 चाहिए बहुत ही जल्द। तो मैंने सोचा इसका पार्ट 2 क्यों, हम सारे टूल को एक एक करके समझते हैं इन डीपली। तो चलिए शुरू करते हैं उस सीरीज का सबसे पहला टॉपिक जो कि कलर सिस्टम। आज के आराम में आप चारों तरफ स्क्रीन से घिरे हुए, एंड आप सुबह उठते हैं तो भी स्क्रीन को देखते हैं, सोते टाइम भी स्क्रीन को देखते हुए सोते हैं, लाइक आपका स्मार्टफोन। एंड जितने भी चीज आप आजू बाजू देख रहे हैं, चाहे वो आज के टाइम पे एडवर्टाइजिंग हो गया, टीवी, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, मॉनिटर, सब स्क्रीन से बना हुआ है। बट इसमें एक चीज कॉमन होता है कि ये एट अ टाइम पे मिलियन कलर को प्रोड्यूस करता है। बट ये पॉसिबल कैसे होता है? बेसिकली हमारा आई दो टाइप के लाइट्स को सेंस कर पाता है। जो पहला होता है जो कलर खुद लाइट एमिट करे, लाइक बल्ब। एंड सेकंड वो होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब आपके एनवायरमेंट में सोर्स ऑफ लाइट प्रेजेंट है। लाइक आपका सामने एप्पल रखा हुआ है एंड आपके एनवायरमेंट में सोर्स ऑफ लाइट है लाइक सन, ले लेते हैं। जब सन का लाइट इंसिडेंट होता है एप्पल पे, देन एप्पल से वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है आपके आई पे, तो हम देख पाते हैं कि हाँ कि वो एप्पल रखा है और वो कौन सा कलर का है, रेड या ग्रीन। बट आज के टाइम पे जो एलसीडी स्क्रीन है वो खुद ही लाइट एमिट करता है, बट वो बहुत सारे लाइट को एमिट करता है, लाइक मिलियंस ऑफ लाइट को वो प्रोड्यूस कर पाता है एट अ टाइम। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे इतने सारे लाइट लगे हुए हैं? तो इसका आंसर है रॉन्ग। बेसिकली इसमें खाली तीन ही कलर यूज होता है, जो होता है आरजीबी, मींस रेड, ग्रीन एंड ब्लू। एंड यही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग लाइट को जनरेट करता है। एंड किस तरीके से वर्क करता है, चलिए देखते हैं इन डीप। आज के टाइम पे जितनी भी स्क्रीन है वो वर्क करता है एडिटिव कलर सिस्टम पे। एग्जांपल देखते हैं, लाइक अभी स्क्रीन पे आपको रेड कलर दिख रहा है, तो आपको ये नॉर्मली दिख रहा है कि रेड कलर का एक स्क्रीन है। बट अगर हम इसको जूम करेंगे एट अ माइक्रो लेवल, तो हमको देखने मिलेगा कि छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स ग्लो हो रहे हैं यहाँ पे। एंड ये नेकेड आई से देख पाना पॉसिबल नहीं है। एंड सिमिलरली लाइक ग्रीन एंड ब्लू भी इसके शो करता है। बट जब हम कलर चेंज करते हैं, लाइक हम व्हाइट देखते हैं, तो हमको देखने मिलता है कि यहाँ पे तीनों एक साथ जल रहा है, मींस रेड, ग्रीन एंड ब्लू विद सेम ब्राइटनेस लेवल। तो इससे क्या पता चलता है कि ये तीनों कलर मिल के हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट करता है कि ये डिस्प्ले व्हाइट कलर जल रहा है। इसी को कहते हैं एडिटिव कलर सिस्टम, मींस आरजीबी कलर एक साथ ग्लो होगा तो ये मिक्स होकर व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं एनिमेशन से। लाइक यहाँ पे तीन सर्कल है विद डिफरेंट कलर आरजीबी, एंड ये जितना भी वैल्यू है आरजीबी का यह है 255। बेसिकली ये ग्राफिक वर्ल्ड में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी कलर का वैल्यू क्या होता है, फ्रॉम 0 टू 255 इन 8 बिट। तो इसी तरीके से जितने भी ये आरजीबी कलर है सबका वैल्यू 255 है, मींस हाईएस्ट पीक वैल्यू है ये। एंड जब हम इसको एक साथ में अरेंज करते हैं, तो जब कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है रेड और ब्लू का, तो यहाँ पे बनता है मैजेंटा कलर। अगर इसको जूम करें तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड एंड ब्लू पिक्सल इक्वल ब्राइटनेस में जल रहा है, तब जाके मैजेंटा कलर फॉर्म कर रहा है एंड हमारे माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ये एक मैजेंटा कलर है, मींस पिंक कलर। एंड जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं ग्रीन एंड ब्लू का, तो हमको देखने मिलता है शान कलर एंड ग्रीन एंड रेड का येलो कलर। बट जब तीनों कॉम्बाइन होता है एक साथ, तो हमको देखने मिलता है व्हाइट कलर। हम जूम करें तो देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे इक्वल ब्राइटनेस में सारे कलर जल रहे हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये सारे चीज वर्क कैसे कर रहे हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ रैंडम कलर्स ले रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने दो सर्कल लिया है, जो एक सर्कल है उसका जो आरजीबी वैल्यू है वो है 100, 0 एंड 200। एंड सेकंड सर्कल का आरजीबी वैल्यू है 200, 100 एंड 0। एंड जब हम इस दोनों को कंबाइन करेंगे, तो जो नया कलर बनेगा उसका आरजीबी वैल्यू होगा 222, 100 एंड 200। यहाँ पीछे आपने नोटिस किया होगा, 0 से डायरेक्टली प्लस हो गया 100 एंड 200 से डायरेक्टली प्लस हो गया है 0। बट यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, वो है आर का वैल्यू जो कि 222। अब ये कैसे पॉसिबल है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आपने देखा कि ये स्क्रीन में कि ग्राफिकली कैसे दिख रहा है। तो चलिए इसको जूम करते हैं रियल लाइफ इन मॉनिटर में। तो यहाँ पे भी हमको सेम चीज देखने मिला कि जो वैल्यू आर का वहाँ पे था एंड ये यहाँ पे भी जल रहा है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट सर्कल का वैल्यू है आरजीबी का 50, 0 एंड 75। सेकंड का है 0, 50 एंड 75। एंड जो कॉमन रंग का कलर बनेगा उसका आरजीबी वैल्यू होगा 50, 50 एंड 128। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कलर फॉर्म हुआ है, एंड जूम करने के बाद भी सेम चीज हमको देखने मिल रहा है। तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे ओवर करते हैं। एंड अगर आपको टॉपिक पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड एक्चुअली मैं बहुत सारे टॉपिक में वीडियोस बनाता हूँ बहुत अलग अलग फील्ड में। एंड अगर आप उसको देख के कुछ नया आइडिया आ रहा है कि इस टॉपिक को चाहिए वीडियो, तो आप सिंपली एक कमेंट बॉक्स पर मिलता है उस पर कमेंट करिए। इसके साथ में बाय बाय।